हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट टेस्ट में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट नोटेड एप्स के बारे में, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो भाई लोग, ऐप सीरीज के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना दिए, तो उन वीडियोस को जरूर से जाके देख लो और लाइक ये मैं सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक से कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5th ऐप की तरफ, जिसका नाम है नेव बार। तो ऐप का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये ऐप किस चीज़ के ऊपर है। तो ये नेविगेशन बार का ऐप है। तो इस ऐप का यूज़ करके आप अपने नेविगेशन बार को एक काफ़ी यूनिक सा एक एनिमेशन दे सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये इफेक्ट काम कैसे करते हैं। जब भी आप अपने फ़ोन में होम वाले बटन को टैप करेंगे तो आपके फ़ोन में ऐसा एक एनिमेशन दिखाएगा, और जैसे रिसेंट वाले किसी भी ऐप में जाएंगे तो दोबारा से दिखाएगा। और इस ऐप में आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज भी देखने को मिल जाती है, स्पोर्ट्स की एंड मूवीज़ के ऊपर भी है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर पर उसे आपको बाय करना पड़ेगा अगर उसे आपको सेट करना है तो। और जब आप इसके गेम्स वाली कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गेम्स की कैटेगरी देखने को मिल जाती है, जैसे कि पबजी वगैरह और काफ़ी सारे। तो ऐप काफ़ी अच्छा है, आपको एक बार इस ऐप को ज़रूर से ट्राई करना चाहिए और मुझे कमेंट में बताना ऐप आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 4th ऐप की तरफ, जिसका नाम है ग्लिच वीडियो। ये ऐप एक वीडियो एडिटर ऐप है, जिसमें आप कोई भी से अपने एक वीडियो को सिलेक्ट करके उसे ग्लिच वाला इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी इस वीडियो को, और उसको आपको इस एरो वाले बटन पर क्लिक करना है। पर अगर आप जैसे ही प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे इस बटन पर, तो आप इसमें और भी वीडियोज़ को ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो ऊपर में एक नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, अगर आप उसमें टैप करेंगे तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे एडिटिंग में। को यहाँ पे नीचे में काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, आपको उस पर टैप एंड होल्ड करना है तो ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली अपने वीडियो पे अप्लाई होते जाएगा। और इस ऐप में आपको एक वाटर मार्क भी देखने को मिल जाता है, ग्लिच वीडियो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। अगर आपको उसे हटाना है तो आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और अगर आपको भी ग्लिच इफेक्ट पसंद है अपनी वीडियो में, तो इस ऐप को एक बार जरूर से ट्राई देना। तो चलिए बढ़ते हमारे 3rd ऐप की तरफ, जिसका नाम है क्लोन वॉलपेपर। तो ऐप में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आप क्या करना है, इस प्रीव्यू वाले बटन पर टैप करना है और वॉलपेपर आपके लॉक स्क्रीन में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, स्वाइप डाउन करना है और अनलॉक हो गया आपका फ़ोन। और साथ ही साथ आपको इस ऐप में काफ़ी सारी थीम्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको स्वाइप डाउन ही करना है पर थोड़ा अलग अलग ही, जैसे कि गन वाला एंड क्रिकेट, जिसमें आपको बॉल फेंकना है। तो इस वीडियो में आपको कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और इस ऐप को एक बार जरूर से ट्राई करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 2nd ऐप की तरफ, जिसका नाम है वन सेड। तो इस ऐप में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ऐप को क्या करना है, जो ऑन लिखा होगा नहीं पहले ऑफ होगा, आपको इसे ऑन कर देना है। तो ये ऐप जो है वो आपकी नोटिफिकेशन बार को एकदम काफ़ी अमेजिंग सा लुक देगा, जिसे आप खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसकी कलर को चेंज करके। आपको यहाँ नीचे में लिखा हुआ मिलेगा बैकग्राउंड कलर एंड एक्टिव टाइल कलर, तो आपको उस हिसाब से उसे सेट करना है। जैसे कि मैं बैकग्राउंड को कर देता हूँ रेड, तो बैकग्राउंड जो है मेरा रेड हो चुका है। तो मैं अब कर देता हूँ इसके टेक्स्ट कलर को चेंज, जो कि वाइट था तो मैं उसे कर देता हूँ ब्लैक। तो अब जो भी जितना भी टेक्स्ट है वो सारा ब्लैक हो चुका है। तो ऐप काफ़ी अच्छा है और थोड़ा काम का भी, तो आपको इसे एक बार ट्राई करना चाहिए और कमेंट में बताना ये ऐप कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 1st ऐप की तरफ, जिसका नाम है जूम क्विल्ट। तो इस ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन को थोड़ा एट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि तो ये ऐप है एक वॉलपेपर ऐप। मैं अपनी हर ऐप सीरीज़ वाली वीडियो में एक वॉलपेपर ऐप के बारे में तो बताता ही, तो इस सीरीज़ में ये ऐप काफ़ी बेस्ट है। तो इस ऐप में आपको मिल जाता है एंडलेस वॉलपेपर, क्योंकि आप काफ़ी देर से देख रहे होंगे, ख़त्म ही नहीं हो जा रहा, रिपीट होते जा रहे, रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट लगता है मुझे। और आप इस वॉलपेपर को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इसकी कलर को एंड उसके स्पीड को। आप जैसे इस ऐप को ओपन करेंगे, वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे में एक दिख जाएगा सर स्लाइड करने वाला, उसको आपको जैसे जैसे स्लाइड करेंगे वॉलपेपर का स्पीड उस टाइप से हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा इसकी स्पीड को मीडियम में ही रखता हूँ, मतलब जैसा अभी रहा जैसा रखा हूँ आप भी वैसे रख सकते हैं, क्योंकि एकदम स्लो भी मुझे पसंद नहीं है। और कलर के लिए आपको यहाँ पे नीचे में ओरिजिनल लिखेगा ट्रिपी एंड ग्रे, तो जो ग्रे है इसके लिए आपको इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो कलर और स्पीड को आप अपने मन से रख सकते हैं। और इस ऐप में आपको मिल जाते हैं 3 वॉलपेपर, इसमें से 2 अनलॉक है एंड एक के लिए आपको वही पेड वर्जन इसका खरीदना पड़ेगा। पर ये जो 2 वॉलपेपर है ना, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और लाइक एम कंप्लीट कर देना सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक्स।